हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का साइंस का चैप्टर फोर जो है एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन का मतलब एनिमल अपने बच्चों को कैसे जन्म देता है और उनके बच्चे किस तरह से होते हैं। जैसे कुछ कुछ जानवर जो होते हैं वो अंडे देते हैं, कुछ कुछ एकदम नम बच्चे देते हैं उनकी बेबीज जो है। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसमें किस किस के है, बहुत सारे हैं तो हम इसको शॉर्ट में पढ़ लेंगे। जो है पहले का है हेन, जो है हेन किस क्या कहता है, हेन जो पहले है वो एग्स देता है। एग्स के बाद फिर उसमें से छोटे से बेबी निकलते हैं जो है चिक्स। ठीक है, ये देखो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ एन एग है। एग का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, फिर बीच में उसके एम्बोरी है, फिर योल्क है, फिर हार्ड सेल है। अंडे में भी तो बच्चे किस तरह से होते हैं ये बताया हुआ है। ये जो है एल्बोनम, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है। एल्बोनम जो अंदर जो पीला वाला चीज़ होता है ये उसके हिस्से होते हैं, उसके अंदर भी एक चीज़ होती है। ठीक है, उसे योल्क बोलते हैं। फिर हार्ड सेल जो एकदम सबसे ऊपर वाला होता है ना, वाइट वाइट कलर का, वो इन सबको प्रोटेक्ट करता है। ओके, फिर यहाँ हम देख लेंगे, ये है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो है वो पहले एग्स देती है। ये देखो इसका ये सर्कल जो है इस तरह से चलता है, पहले वो एग्स देती है, फिर वो कैटरपिलर में बदल जाता है एक पत्ती के ऊपर, फिर वो बनता है प्यूपा में, फिर वो बटरफ्लाई बनता है। ठीक है, ठीक है, लाइफ सर्कल ऑफ बटरफ्लाई ये है। हम इसमें देख लेंगे लाइफ सर्कल जो है कॉकरोच का, जो है कॉकरोच भी पहले एग देता है, फिर ये नाइम बनता है, फिर कॉकरोच इसमें ज़्यादा वो होता है एग से डायरेक्ट बेबी कॉकरोच, फिर वो कॉकरोच में मिल जाता है। ठीक है, ये इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन। अच्छा, हम इसमें हम देख लेंगे फ्रॉग का। ये फ्रॉक्स जो है पहले एग्स देता है, फिर बनता है टेडपोल छोटू सा बेबी सा, फिर बनता है यंग फ्रॉक छोटो वाला फ्रॉक, फिर बनता है ये पूरा फ्रॉक। ठीक है, ये है लाइफ सर्कल ऑफ फ्रॉक। ठीक है, और किसका है और किसी का भी नहीं है, ये चैप्टर में ये कौन से बेबी किस तरह से होते हैं, उनके लाइफ सर्कल बेबीज कैसे होते हैं, अंडे देते हैं।